एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, आज मैं करने वाली हूँ मीशो फुटवेयर हॉल। और अभी रिसेंटली मैंने मीशो से बहुत सारे फुटवेयर्स लिए हैं, फ्लैट्स लिए हैं और हील्स लिए हैं, और मैंने बहुत सारे सैंडल्स भी लिए हैं जो कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक और मीशो फुटवेयर हॉल किया था जो कि आप सभी को इतना ज्यादा पसंद आया था और सबने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक और मीशो फुटवेयर हॉल करूँ। तो पहले जो मैंने फुटवेयर हॉल किया था उसका लिंक भी मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगी, तो आपने वो वीडियो भी जरूर चेकआउट करनी है। और जो भी आज मैंने फुटवेयर्स लिए हैं वो सारे ही काफी ज्यादा अफोर्डेबल हैं, सारे ही अंडर 600 रुपीज हैं। और जो भी उनके प्रोडक्ट कोड्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और जो भी मैंने हील्स और फ्लैट्स लिए हैं वो काफी ज्यादा एम्बेलिश्ड पार्टी वेयर और कैजुअल्स हैं, तो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो अब हम और वेट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम इन द नेम ऑफ भूमिका खुराना मेकअप, वहां पे मैं बहुत सारी मेकअप की वीडियोज डालती हूँ। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो की सबसे पहली हील जो मैंने ली है वो है ये, और ये न्यूड कलर के अंदर है और ये ट्रांसपेरेंट हील है। ऐसे इसके यहाँ पे ऐसे ट्रांसपेरेंट आगे स्ट्रैप दिया हुआ है। और आप इस हील की सबसे स्पेशल चीज़ देखो वो है इसकी ये हील, और ये इसकी हील के अंदर आप ये डिज़ाइन देखो, ऐसे पूरा ट्रांसपेरेंट हील है बट इसके अंदर ना ऐसे कुछ डिज़ाइन हो रखा है जो ऐसे डायमंड की जैसे लगता है। आप देखो ये पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, और सिर्फ इस हील के पैटर्न की वजह से ही मैंने ये वाली हील ली। और आगे से इसका ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप है, और आगे से ये थोड़ा ऐसे स्क्वायर शेप के अंदर है। ऐसी जो स्क्वायर वाली हील्स होती है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और ये स्क्वायर वाली काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगती हैं, तो इसलिए मैंने ये ली। और इसका जो ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप भी है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यूजुअली ऐसे जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चुभते हैं और बहुत लगते हैं यहाँ से, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखो ये बिल्कुल भी स्टीप नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लैट है, तो यू नो आपको कंफर्टेबल भी रहेगी काफ़ी। और इसकी हील का साइज भी काफ़ी छोटा है, आप देखो। तो आप यू नो ऑफिस गोइंग हो या फिर आप कॉलेज गोइंग हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, और ऐसी फॉर्मल्स के साथ में पार्टी वेयर आउटफिट्स के साथ में भी चल जाती है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी। आप डेली बेसिस में भी इसे इजीली कैरी कर सकते हो, और बहुत ही कैजुअल सी है बट इसकी हील बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, और ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप इसका देखो जो ये न्यूड वाला लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये लेदरिश है तो गंदा होने का भी कोई डर नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये ना सॉफ्ट है। यहाँ से बहुत सारे हील्स में ऐसा होता है कि वो यहाँ से लगते हैं और बहुत चुभता सा है वो, बट ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल और बहुत सॉफ्ट सा है। इसका ट्रांसपेरेंट ये स्ट्रैप भी ना ये बिल्कुल भी प्लास्टिकी सा नहीं है, बहुत सिलिकन जैसा है। इसका जो प्लास्टिक वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है ये। और ये वाली हील मैंने ली कुछ 500-550 रुपीज़ की, और मुझे ये सच में बहुत अच्छी लगी। 500 में ये क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, स्पेशली इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। नंबर 6, वैसे मेरा साइज है UK 5, बट इस वाले हील के साइजेस थोड़े अलग थे तो मेरा इसमें साइज है नंबर 6, तो आप इनके साइज चार्ट से भी रेफर कर सकते हो, और ये मुझे एकदम परफेक्ट फिट आता है। तो आज के वीडियो की अगली हील जो मैंने ली है वो है ये, और आप अब देखो ये देखो इसके ये ऐसे ही यहाँ पे पूरा स्टोन्स दिए हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये पैटर्न ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके साथ में ये स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, और ये भी पूरे एम्बेलिश्ड हैं,
पूरे ये एम्बेलिश्ड है और आप इसे ऐसे यूं टाई कर सकते हो। जो ऐसे यूं टाई करने वाले होते हैं ना, वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी हैं, ऐसे मैंने जारा में देखे हैं, बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स में मैंने ऐसे वाला पैटर्न देखा और ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप स्कर्ट्स के साथ में, ड्रेसेस के साथ में ऐसी हील्स पेयर कर सकते हो। और मुझे पर्सनली ऐसी हील्स बहुत पसंद है जो बहुत ज्यादा एम्बेलिश्ड होती है या जिनके अंदर ऐसे स्टोन्स दिए हुए होते हैं या गोल्डन होती है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है और ऐसी एम्बेलिश्ड हील्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। और आप देखो इसके ये सारे पूरे स्ट्रिंग्स ना एम्बेलिश्ड है और ये पेंसिल हील में आ जाती है। पूरी ये बेसिक एकदम वो जो मैट वाला गोल्डन होता है ना वैसा है, बिल्कुल शाइनी नहीं है। तो कुछ लोगों को शाइनी या फिर शाइनी गोल्डन कलर ऐसा कलर नहीं पसंद होता, तो ये बिल्कुल मैट है। आप देखो पूरी हील मैट है और इसके ये वाले पीछे के हील्स भी बिल्कुल मैट है, बिल्कुल भी शाइनी नहीं है। तो जिन लोगों को शाइनी से नहीं पसंद वो ये जरूर ट्राई कर सकते हैं। और इसके अंदर आप देखो यहाँ पे पूरा कुशन दिया हुआ है और पूरा यहीं से कुशन दिया हुआ है, क्योंकि यूजुअली जो हील्स थोड़ी स्टीप होती है वो यहाँ से बहुत लगती है, बट इसमें यहीं से ये पूरा कुशन दिया हुआ है। और इसकी कुशन की क्वालिटी भी ना काफी ज्यादा अच्छी है और काफी थिक है, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। और आगे से इसका ये पूरा एम्बेलिश्ड है और इस पर वो गंदे चीप क्वालिटी के स्टोन्स नहीं लगे जो उतर जाते हैं या फिर जो चुभते हैं, बहुत ज्यादा फाइन क्वालिटी के हैं और बहुत अच्छे से स्टिक हो रखे हैं, तो कोई इनका निकलने का भी कोई डर नहीं है। और आप इसे ऐसे ऊपर ट्राई कर सकते हो और ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी। और ये वाली हील मैंने ली कुछ 600-650 अप्रॉक्स इतना कुछ था, इतने की मैंने ये हील्स ली और ये मुझे बहुत बहुत प्यारी लगी। और ये हल्की बहुत ना यहाँ से आप देखो हल्की सी यहाँ से स्टीप है, बट कुशन दिया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं और यू नो कम्फर्टेबल रहेगा। वैसे मेरा साइज है UK 5, बट इस वाले हील के साइजेस ना थोड़े अलग थे, तो इसमें मैंने साइज लिया है 8 और 8 एकदम परफेक्ट फिट आता है मुझे और ये हील मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी। तो अगला फुटवेयर जो मैंने लिया है वो है ये फ्लैट्स और ये ऐसे गोल्डन कलर के अंदर है। और मुझे, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मुझे गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसे शाइनी और ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और पहले भी मैंने वीडियोस में बताया कि मुझे गोल्डन कलर एम्बेलिश्ड फुटवेयर्स कितने ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये लिया। और ये बिल्कुल एकदम फ्लैट है और ऐसे इसका यू क्रॉस स्ट्रैप आ जाता है और ये अच्छा शाइनी सा गोल्डन है। तो आप एथनिक पहन रहे हो या फिर आप यू नो बेसिक भी आपने प्लेन आउटफिट पहना है उसके साथ में आप ऐसे यू थोड़े से गोल्डनिश से फ्लैट्स पेयर कर लो या फिर कुर्ता सेट के साथ में आप ऐसे फ्लैट्स पेयर कर लो तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और ये बहुत अच्छा सा शाइनी सा है और इसमें कुछ भी ऊपर से नहीं लगा हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, सॉफ्ट सा है और इसका बेस ये न्यूड से कलर के अंदर है और ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये बिल्कुल मैट है आप देखो, और ये बहुत अच्छा खासा सॉफ्ट है और इसमें बिल्कुल भी हील नहीं है, बस हल्का सा यहाँ पे ऐसे बना हुआ है बट हील बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन लोगों को फ्लैट्स पसंद है तो वो ये ले सकते हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। और ये वाले फ्लैट्स मैंने लिए कुछ 290 या फिर 300 रुपीज़ के या इससे भी कम के थे मुझे लगता है, बट ये मुझे सच में बहुत प्यारे लगे और ये पहने हुए ना बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ऐसे दिखने में बहुत बेसिक से लगते हैं बट पहन के ये बहुत सुंदर लगते हैं। साइज लिया है 38, आपको दिख रहा होगा
वैसे मेरा साइज है UK 5 और इसमें मेरा साइज है 38 और आप इनके साइज चार्ट से भी रेफर कर सकते हो और इसमें और भी थोड़े मैट कलर्स अवेलेबल थे तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो और ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लगे। तो अगली हील जो मैंने ली है वो है ये और ये ब्लैक कलर के अंदर मैंने ली है। मुझे लगता है एक बेसिक ब्लैक हील्स और ब्लैक फ्लैट्स तो होने ही चाहिए क्योंकि ब्लैक हील्स ना सबके साथ में चल जाती हैं और कंफर्टेबल हील्स तो बेस्ट रहती हैं, इसलिए मैंने ये ब्लैक हील्स ली और ये पूरा वेलवेट है। ये मतलब जो वो वेलवेट और यू नो स्वेड वाला जो मटेरियल होता है ना, स्वेड सा जो होता है, ये बिल्कुल वैसा है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देखो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि ये देखो ऐसे कलर भी चेंज हो रहा है। बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, यहाँ से तो आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा और बहुत सॉफ्ट सा रहेगा और ये यहाँ से पूरा शाइनी है। और इसमें आप कुशन देखो, इतना ज़्यादा इसके अंदर कुशन दिया हुआ है और ये बिल्कुल भी स्टीप नहीं है, ब्लॉक हील्स हैं ये। और इस हील की सबसे स्पेशल बात आप देखो, ये इनकी हील्स, इनकी हील्स में भी ऐसा ही पैटर्न दिया हुआ है जैसा वो फर्स्ट हील में था, बट वो थोड़ा अलग था और ये भी थोड़ा अलग है। ये ऐसा हील के अंदर पैटर्न दिया हुआ है और पीछे से ऐसी प्लेन ब्लैक है। और मुझे ये हील का पैटर्न ना, ट्रांसपेरेंट हील के अंदर ऐसे कुछ पैटर्न होता है तो बहुत यूनिक सा लगता है। यूजुअली ट्रांसपेरेंट हील्स जो आती है वो बिल्कुल प्लेन सी आती हैं और वो बहुत बेसिक लगती हैं, तो ऐसे थोड़ा बहुत पैटर्न ना अच्छा लगता है और ऐसे आप कैजुअल में भी कैरी कर सकते हो और यू नो पार्टीज में भी पहन सकते हो। और जो ऑफिस गोइंग है या कॉलेज गोइंग है उनके लिए हील काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि ब्लैक हील्स है और बिल्कुल प्लेन है, तो फॉर्मल्स के साथ में या नॉर्मल ड्रेसेस के साथ में बहुत अच्छी लगेंगी। और इसके हील में थोड़ा अच्छा सा पैटर्न भी दिया हुआ है और ये भी आगे से ऐसी स्क्वायर शेप के अंदर है। ऐसे स्क्वायर शेप वाले पैटर्न ना बहुत ज़्यादा एलिगेंट और यू नो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया और ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। मुझे एकदम परफेक्ट फिट आता है और बहुत अच्छी सी फिटिंग आती है इसकी और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये वाली हील मैंने ली कुछ 550 की या फिर 500 रुपीज़ की, बट पहने हुए बहुत सुंदर लगती है। और इसका आगे से आप ये पैटर्न देखो, इसका ना थोड़ा इसका पैटर्न भी थोड़ा अलग है, ये ऐसी टाइप की है इधर ऐसा, और ये बहुत ही अच्छा सा पैटर्न लगा मुझे, बहुत प्यारी लगी। So that's it for today's video. I hope आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी then please do like, share and subscribe to my channel. और अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसी मीशो फुटवेयर हॉल करूँ या फिर कोई और हॉल करूँ then please comment down below. Also do follow me on my Instagram in the name of भूमिका खुराना मेकअप, वहाँ पे मैं बहुत सारी मेकअप की वीडियोज डालती हूँ। Thanks for watching.